प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट अगर कोई हमें बीमारी हो गई है तो उससे हम कैसे ट्रीट करेंगे यहाँ हम बात करें इन्फेक्टिशियस डिजीज के लिए यानी कि कम्युनिकेबल डिजीज के लिए देर आर टू वेज टू ट्रीट एन इन्फेक्टिशियस डिजीज पहला क्या हो सकता है रिड्यूस करना उसके इफेक्ट को जो इफेक्ट कर रहा है उसे कम कर दिया जाए दूसरा होता है उसे किल करना ठीक है तो पहला काम तो ये होता है कि उसे रिड्यूस किया जाए और जब वो रिड्यूस हो जाए तो उसे किल किया जाए हाउ टू किल माइक्रोव्स अब माइक्रोव्स को किल कैसे करेंगे बाई यूजिंग मेडिसिन दैट किल्स माइक्रोव मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं बाई यूजिंग ड्रग दैट ब्लॉक द बैक्टीरियल सिंथेटिक पाथवे अब देखो जो बैक्टीरियाज हैं या कहते हैं कोई भी माइक्रोव है वो क्या करेगा सिंथिसाइज होगा यानी कि रिप्रोड्यूस करेगा एक से दो दो से चार इस तरह से होगा अब अगर हमने क्या किया एक से उसे रिप्रोड्यूज ही नहीं होने दिया एक से दो दो से चार नहीं होने दिया उसका जो बैक्टीरियल सिंथेटिक पाथवे उसे हमने कट डाउन कर दिया कट डाउन कर दे तो आगे ग्रो नहीं करेगा तो आगे ग्रो नहीं करेगा तो उसकी क्या होगी ग्रोथ खत्म हो जाएगी बट डज नॉट अफेक्ट आर सेल्युलर पाथवे वो बैक्टीरियल पाथवे को तो कट डाउन करे लेकिन हमारा जो बॉडी का सेल्यूलर पाथवे है उस पर कोई नुकसान ना पहुंचे तो दो तरीके से यूज कर सकते हैं एक तो मेडिसिन यूज़ की जो किल कर दे दूसरा क्या हो सकता है जो बैक्टीरियल सिंथेटिक पाथवे है जिस तरीके से वो ग्रो करता है उसे कट कर दिया जाए लेकिन हमारी बॉडी को नुकसान ना पहुंचे यहाँ आते हैं एंटीबायोटिक्स एंटीबायोटिक्स क्या है केमिकल्स होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं इसमें बैक्टीरिया हो, हो सकता है फंगाई हो सकता है ठीक है विच एट लो कंसनट्रेशन लेवल हैव द एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ पैथेगन लो कंसनट्रेशन लेवल पे थोड़े से भी हैं बॉडी में तो ये क्या कर सकते हैं जो जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है या जो किसी पैथेगन की ग्रोथ है उस ग्रोथ को क्या कर सकते हैं रोक सकते हैं एंटीबायोटिक्स ये वर्ड आया है एंटीबॉडीज से ठीक है और एंटीबॉडीज क्या होती हैं प्रोटीन होता है तो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बॉडी में प्रेजेंट कोई भी प्रोटीन जो किसी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रिड्यूस कर सकता है उसे यूज करते हैं हम एंटीबायोटिक्स में द फर्स्ट एंटीबायोटिक वॉज पेनेसलिन जो पहली एंटीबायोटिक बनी थी वो कौन सी थी पेनेसिलीन थी ध्यान रखना इसका